अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपका अपने चैनल जिसका नाम रूल्स ब्रेकर्स। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हूं आपकी तरह एक फैमिली मेंबर, और फैमिली मेंबर होने के नाते आपका हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं किया तो भाई बड़ी ज्यादती कर रहे हो, एक फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कर रहे हो तो ये गलत बात है। कैसे फैमिली मेंबर सपोर्ट करना बनता है आपका। 100 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं ऋषि भाई का, गौरव भाई के, सबके कमेंट आ चुके हैं मेरी वीडियोज के ऊपर। नहीं यकीन तो जाके सारी वीडियोज चेक करो, नीचे कमेंट जरूर चेक करिएगा, आपको पता चलेगा आए कि नहीं आए। जो वीडियो लेके आया हूं आज का नाम है ट्राइंग आवर लक चैलेंज विद ब्रदर एंड सिस्टर। तो मतलब रिमोरो व्लॉग की ये वीडियो, मतलब री व्लॉग की वीडियो, रिमोरो व्लॉग नहीं है। तो हम ये वीडियो देखेंगे, फिर करेंगे इसके बारे में बात। लेकिन एक और नीचे बताएगा कि हाउ इज माय न्यू लुक, अच्छा लग रहा हूँ? जरा कोशिश किया मैं यार थोड़ा अलग स्टाइल बनाता हूँ, क्या मैं लंबे लंबे वालों में अच्छा नहीं लग रहा था? लेकिन आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है। खासतौर पे हर्ष तो मुझे बताएगा, सबने बताना जरूर है मुझे, ठीक है? आए मेरे को देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा है रॉक पेपर सीजर, जिसमें हमने ट्राई किए था फैमिली। आपने देखा है हमारा रॉक पेपर सीजर, जिसमें हमने ट्राई किया था हमारा लक, और आज भी हम वही कुछ करने जा रहे हैं। मुझे बताइए नीचे कमेंट में, उस पे रिएक्शन होगा। जा रहे हैं सो फैमिली, इस बार फिर से हम अपना लक ट्राई करने वाले हैं, और लेट्स सी इस बार कौन विजेता होता है। और आज हम करने जा रहे हैं सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग चैलेंज। बहुत ट्रेंडिंग है, इतना ज्यादा ये इतना की ट्रेंडिंग है कि आप एक मिनट ट्रेंडिंग, ठीक है आप घूम रहे हो, रुक जाओ मामू, आपको घूमने लग गए। ट्रेंडिंग है इसका चैलेंज का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन ये आप देख लेना, समझ जाओगे। हाँ, एंजॉय करो, आ जाओ। जब लक मटकावे मेरा साले जावे, स्नैपचैट हिट सारे फिल्टर लावे 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 हम लोग करने के लिए ये वायरल चैलेंज। अब इसके लिए हम पहले यूज कर रहे हैं बॉल, जिसके सर पे गिरी वो गिरी। क्यों भाई? यार मुझे लग रहा है डर। स्प्रिंग, तुझे क्या लगता है? यार मुझे लग रहा है कि रिक्शा के सिर पे बजेगी बॉल। क्यों, मेरे क्यों बजेगी? तो रेडी, 3, 2, 1 ऋषि पड़ा हो गए, हाँ बच जाइए हुए। ओके, माय टर्न कह दे। तभी समझे बोल रहे हैं, मेरा ही कुछ चांस बनता है। मारो ताली, 2, 1, 2 ये घर पे मत ट्राई करना। हाँ तो बच गया कैमरा, कैमरा में दिखाओ। सूत्रों के मुताबिक दीक्षा को बहुत जोर से लगी है। क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे जिस बंदे ने चैलेंज इजाद किया? मैंने नहीं, किसने किया? पागल जिसने भी किया। अच्छा था यार ये वाला मजा। ये वाला जो चैलेंज है इसका नाम है ट्राई नॉट टू फ्लिंच। फ्लिंच एज इन मतलब कि ऐसे नहीं करना या डरना नहीं है मतलब। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये वाली बॉल ऐसे ऊपर से ऐसे तक आएगी और मुझे बस डरना नहीं है। 1, 2 इधर लगता ना मजा आ जाता। तो बहुत बार ये मेरे लग ही जानी थी। डेंजरस है भाई ये। गाइस जहां तक मेरी बात है, मैं
मुझे करना ही नहीं है। सो फैमिली अब जो हमारी बारी है वेरी सिंपल है, ये है पानी दी बाल्टी, वो भी ठंडा पानी। पानी दी बाल्टी हम बोलेंगे 1 2 3। अब आपने अपने हिसाब से डायरेक्शन लेनी है, या लेफ्ट या राइट। सो संजय यस, तुम्हारे लक के लिए तुम तैयार हो? नहीं। 3 और रुक जा एक मिनट, 2 1 गो। संजय बच गया, ठीक था, ये हो सकता है। फैमिली पता नहीं कहाँ से ये सब लेके आते हैं, इनको पता भी है मुझे ठंडे पानी से कितना डर लगता है। कोई नहीं, दीक्षा एंजॉय। यार रबा मेरा क्या होगा, पानी मेरे से टच। आंखें तो खोल ले भाई, मेरी बहन बोंदल की। बहुत बुरा लगा भाई, थका होया मेरे नाल। अंकल के सच्चे राइट या लेफ्ट में चले जाएगा, वो उधर ही खड़ा रहा जहाँ खड़ा था। बेकार आइडिया, किसका था ये आइडिया? आपका। Trying our luck number 4. So family, अब है बारी अगले चैलेंज की, जिसमें हम अपना लक नहीं अब हमारा धक धक भी ट्राई करेंगे। Yes. मतलब आपके दिल की धक धक होने वाली है, क्यों? ये देखे। फैमिली हमें इस पे चलना है और जो सामने प्लेटें हैं वो तीनों उठाकर लानी है। इन बिटवीन पड़ेंगे आपको अंडे, और वो अंडे हैं एक्सपायर्ड। बहुत पुराने पुराने। एक सेकेंड टाइमर भी है, जो फटाफट लेके आएगा वो जीतेगा। अरे नहीं, नीचे साबुन लगाते यार। कैसा लगा संजय? फैमिली एक प्रॉब्लम थी यार। क्या हो गया? यार ये एक्सपायर, ये तो फूट ही नहीं रहे। अभी मेरी टर्न अंडे फेंकने की, चलो। वो नरम बहुत है ना इसलिए। क्या भागो? डिस्क्वालीफाई हुई है। ऋषि भाई कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, जी क्या हुए? शुक्र है ऋषि भाई जीत गए। कैसे लगे आपको अंडे? साले इतने पीछे पड़े जोर जोर से। अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन जीता है। हमने जो टाइमर लगाया है वो तो आपको पता लग गया कि इसमें कौन जीता है। सो फैमिली जो भी आप लूजर चूज करोगे वो विद इन 24 आवर्स अपनी फोटो डालेगा, कोई भी एम्बैरेसिंग फोटो या वीडियो कुछ भी डालेगा। यस और गाइस इस वीडियो को अगर आपको ऐसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं तो 191 के लाइक जरूर देना। जाने से पहले परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। जाने से पहले फैमिली, क्योंकि आपको बहुत मजा आया है, अब जरा जाने से पहले हम तीनों एक एक प्लेट उठा के लाएंगे और आप इंजॉय करें। कौन सबसे पहले लाया वो भी विनर होगा। बिहाइंड द सीन आगे इसमें जाना नहीं है अभी। सूत्रों के मुताबिक दीक्षा को बहुत जोर से लगी है, और जहाँ तक बात की जाए दीक्षा के रोने की तो वो अक्सर रोती रहती है, लेकिन आज बहुत दर्द हुई है, तो आइए इससे बात करते हैं। दीक्षा क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है आपको? मैं मुझे बहुत जोर से लग रही है। कोई गाली देना चाहेंगे? कोई गाली देना चाहेंगे? नहीं, हमारा फैमिली चैनल है। आप देते मैं बीप लगा दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। जब हमारे थाली बजे इतनी जोर से तभी हंस रही थी।
ओके जनाब, तो विनर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से विनर इस बार दीक्षा थी। दीक्षा ने काफी अच्छा किया और दीक्षा का हुई है चीटिंग, उसको पानी डाल के बाहर निकाला गया, नहीं तो बंदी ने जीत जाना था। और इतनी जोर से बेचारे की लगा जा रू रोना शुरू कर दिया, क्या यार छोटी बहन है हमारी, क्यों रुलाते हो बार बार दीक्षा को। वीडियो की बात की जाए तो जैसे आप सबको पता है कि मोरफ को मैं बहुत ज्यादा शौक से और बहुत ज्यादा खुशी से देखता हूँ, बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं और इनकी हर वीडियो देख के मजा आता है। हर कहते हैं फैमिली शो है, फैमिली चैनल है, जो मर्जी कह ले, बहुत ही जबरदस्त होता है और बहुत ही मजे वाले होते हैं। ऋषि भाई जितनी मेहनत करते हैं, यहाँ ये संजय हो जाए, दीक्षा हो जाए, जितनी ये मेहनत करते हैं, जितनी वीडियो अच्छी बनाते हैं, मामू इनके साथ होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं। एज अ फैमिली मेंबर हम लोगों को इनको जितनी सपोर्ट हो सके उतनी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट चैनल है मेरे हिसाब से, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चैनल है ये। सही बोल दूं मैं, सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ आप। बाकी मेरे हिसाब से विनर तो जनाब मैंने दीक्षा चूज किया, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद बता सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छी थी, मजे वाली थी, एंजॉय किया मैंने, बाकी आप लोग प्लीज बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें और बताना जरूर हाउज दैट, अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, कमेंट में बताओ जरा, क्योंकि आजकल व्लॉग बड़े अच्छे आने वाले। हाँ मुझे यार काफी देर हुई व्लॉगिंग चैनल पर व्लॉग अपलोड नहीं किया, काफी लोग ने चैलेंज का भी किया हुआ, तो चैलेंज भी इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है, बस थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा ना, इधर बनाऊँ कि वो बनाऊँ, पता तो होता ही आपको। बाकी मैं लोग आपसे अपने अगली वीडियो में दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू, टेक केयर।